गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना उपेंद्र सर। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है ना। और अक्सर ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको रहेगा, ठीक है। इससे पहले का वीडियो में हमने कुछ और तरह का भी क्वेश्चंस बताए। आप अगर इस चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है देखिए, क्वेश्चंस क्या है सो देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। किस फॉर्म में लिखना है? पी अपन क्यू के रूप में लिखना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जहां बोला कि पी अपन क्यू के रूप में लिखना है और वेयर जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको जो लिखने बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो रेशनल नंबर के फॉर्म में। चूंकि रेशनल नंबर जो होता है वो पी अपन क्यू के रूप में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और पी आर क्यू क्या होता है? इंटीजर्स होता है। पी आर क्यू क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स तो आप लोग जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, ये सब क्या इंटीजर्स है ना। तो ये इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखने बोल रहा है, ठीक है। मतलब पी अपन क्यू के रूप में लिखने बोला है जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इस वीडियो में बने रहें और एकदम लास्ट तक इसको देखिए, ठीक है। आप लास्ट तक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मत देखिए वीडियो, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, सो 0.6, आप देखिए 0.6 है और यहाँ पे लाइन खींचा हुआ, इसको बार पढ़ते 0.6 पे ये बार है ना। ये जो लाइन खींचा हुआ रहता है इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद ये डिजिट रिपीट करता है। ये डिजिट क्या करता है? रिपीट करता है। मतलब 6 पे बार है, इसका मतलब है कि 6 बार बार आते जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, समझ लीजिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे? कि लेट x इक्वल टू 0.6 टू द पावर बार, ऐसे इसको मान लेंगे, ठीक है। ये मान लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 0.666, जितना बार चाहो आप लिख सकते हैं। अरे इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है यही चीज बार बार क्या कर रहा है, रिपीट करेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डॉट 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 तीन डॉट दे दो, मतलब ये जो है ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कभी भी ये डिवाइड नहीं होगा। ये तीन डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये लाइन का मतलब होता है कि ये कभी भी डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, मतलब वो डिजिट, और इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जिस पर वो लाइन रहेगा वो डिजिट क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। मतलब 6 पे है तो 666 बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये हमारा इक्वेशन क्या है, 1 है, ठीक। उसके बाद अब क्या करना है सो देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना रहता है कि ये पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको ऐसा जगह पे लाना रहता है, या अभी सिंपल वे में आप ये समझिए कि ये बार जितना पे है उतना से आप इसको मल्टीप्लाई कर दे। इसमें दो तीन टाइप का अलग अलग क्वेश्चन का वैरायटी होता है। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप सिंगल डिजिट ही दिख रहा है, आप क्या कीजिए कि ये जो इक्वेशंस जो है, ये वाला जो है इस इक्वेशंस को, इक्वेशन वन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वेशन को 10 से, क्यों? क्योंकि एक पे है इसीलिए। अगर दो पे रहता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर तीन पे रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए एक पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन
by 10, we get. Multiplying equation 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट. तो क्या होगा, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे को जिसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा. और अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाएगा. अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट चला जाएगा. अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट, अगर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट होगा. मतलब जितना अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे बढ़ेगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट आगे बढ़ेगा, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट. तो देखिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करें इसलिए पॉइंट एक डिजिट, ये एक डिजिट से तड़प के आगे चला जाएगा. तो क्या हुआ, ये पॉइंट अगर आगे घसक जाएगा तो हो जाएगा 6.66 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 6.66. और ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, आगे खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे 6.66 हो गया. आप चाहो तो एक 6 और भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो वो 6 तो बहुत सारा है. अब यहाँ पे 3 डॉट दे दीजिए. ठीक है, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया. उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक, अब क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करो. तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 From equation 2, subtracting equation 1 from equation 2. तो equation 1 में क्या देखे, 10x है, और यहाँ equation 2 में क्या था, 10x था, और 1 को subtract कर रहे हैं तो इसमें x है, तो 10x minus x हो जाएगा. और यहाँ पे देखे क्या, 6.666 तीन डॉट है ना, माइनस क्या होगा, इधर से देखे क्या है, 0.666 तीन डॉट है. ठीक है, तो अब क्या होगा समझो, 10x में x माइनस कर दो तो ये आपका 9x हो जाएगा. 10x में x माइनस करेंगे तो 9x होगा. और इधर देखो क्या है, इधर है आपका 6.666 और इसमें माइनस करेंगे कितना, 6.66 डॉट है, 0.666 डॉट. तो क्या होगा, इधर तो डॉट डॉट ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें इसमें माइनस कर देंगे तो जीरो, मतलब यहाँ पे सिर्फ 6 बच जाएगा. ठीक है, अगर इसमें माइनस करोगे 6, ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो 6 में 0 माइनस कर दोगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 9x इक्वल टू 6 हो गया. ठीक, और यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो x इक्वल टू होगा 6 बाई 9 होगा, तो ये कितना से कट जाएगा, कितना से होगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब x इक्वल टू हो गया 2/3. यही आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो. चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.